नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के विषय में और कुंभ लग्न के विषय में। यदि आपका कुंभ लग्न है या कुंभ राशि है तो आज हम बताने चले कि आपके कुंडली में कब ऐसा समय आता है कि व्यक्ति विदेश की यात्रा करता है या विदेश में नौकरी करता है या वहाँ पढ़ाई करता है, वहाँ व्यवसाय बिजनेस करता है। संपूर्ण नियम बताए, क्योंकि अभी तक हमने मेष लग्न मेष राशि से लेकर के यदि आपका मकर लग्न मकर राशि तक मैंने बताया कि व्यक्ति के जीवन में कब विदेश योग बनता है। क्योंकि आपका कुछ माहौल चल रहा है, हर माता पिता बच्चे स्वयं ये प्रश्न करते हैं कि क्या मेरे कुंडली में विदेश योग है, क्या मैं विदेश की यात्रा करूंगा, क्या मैं वहां नौकरी प्राप्त करूंगा, क्या मैं विदेश पढ़ाई करने के लिए जाऊंगा। काफी ऐसा कुछ प्रश्न रहता है। यदि आपका कुंभ लग्न है और कुंभ राशि है तो आज हम बताने चले कि आपके जीवन में कब ऐसा समय आता है व्यक्ति अपने देश से बाहर चले जाता, वहां बिल सेट होता, नौकरी करता या पढ़ाई करता है, व्यवसाय करता है, बिजनेस करता है। संपूर्ण विवेचन बताने चले तो निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं आज का जो मुख्य विषय मित्रों, यदि आपका कुंभ राशि है या कुंभ लग्न है तो विदेश योग कब बनता है। क्योंकि हमें एक लग्न चार्ट बनाया हुआ है, कुंडली का 12 भाव होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये कुंडली का 12 भाव। सबसे पहले आपको क्या देखना है, यदि आप अपनी कुंडली देखी चाहे लड़के कुंडली चाहे लड़की कुंडली हो, यदि पहले भाव में 11 अंक लिखा होगा तो समझ लिया आपका कुंभ लग्न है। और कुंभ लग्न स्वामी हो गए शनि, यदि वहां चंद्रमा भी विराजमान है समझ लिया आपका कुंभ राशि भी, क्योंकि चंद्रमा जहां बैठता है राशि वही होता है। तो आज बात चल रहा है कुंभ लग्न की बात चल रहा है। फिर तो कुछ मैं नियम लिखा हूं, यदि ये नियम आपकी कुंडली में देखें तो समझ आपके विदेश योग अवश्य बनेगा। पहला नियम, यदि आपका कुंभ लग्न आपका जन्म हुआ है, लग्नेश भाग्य भाव में हो और भाग्येश लग्न भाव में बैठा हो तो ये प्रबल विदेश योग बनता है। लग्नेश भाग्य भाव यहाँ कहेंगे, यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वें घर को भाग्य भाव कहते हैं और यहाँ 7 अंक तुला इसके स्वामी हो गए शुक्र। सरलता समझ लीजिए आपका कि लग्नेश यदि यहाँ के बैठा हो, लग्नेश क्या है शनि कुंभ है, आप देखिए अपने कुंडली में यदि शनि आकर के यहाँ बैठा हो और यहाँ का स्वामी शुक्र जाकर के यहाँ बैठा हो, या शनि शुक्र एक साथ यहाँ बैठा हो या शनि शुक्र एक साथ यहाँ बैठा हो, जब शनि शुक्र की महादशा आएगी अंतरदशा आएगी प्रत्यंतर से व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है। विदेश शुक्र के जीवन में अवश्य आता है, वहाँ जाकर के काफी व्यक्ति ग्रोथ करता है, व्यवसाय करता है, बिजनेस करता है, उच्च पद पर अपना नाम रोशन करता है। दूसरा नियम, भाग्येश द्वादश भाव में हो और द्वादश भाव का स्वामी भाग्य भाव, द्वादश भाव को एक कहते हैं द्वादश भाव कहते हैं, ये वैसे भी इसे विदेश योग बताया गया है। अब प्रश्न क्या है, सूत्र कहता है कि भाग्येश जाकर के यहाँ बैठा हो और द्वादेश यानी विदेश का भाव का स्वामी आकर के यहाँ भी से परिवर्तक योग भी कहते हैं, यानी शुक्र आप देखिए यहाँ जाके बैठा हो और यहाँ का स्वामी शनि आकर के यहाँ बैठा हो, पहला इसे परिवर्तन योग कहते हैं, या शुक्र शनि एक साथ आपकी कुंडली देखिए यहाँ बैठा हो या शुक्र शनि आपकी कुंडली में एक साथ 12वें भाव में बैठा हो। तो जब शुक्र शनि की महादशा आएगी अंतरदशा आएगी प्रत्यंतरदशा एक व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है, विदेश योग अवश्य बनता है, अपने जीवन में काफी ग्रोथ करता है, वहाँ व्यक्ति नौकरी बिजनेस व्यवसाय अवश्य करता है, उच्च पद में नाम रोशन करता है। तीसरा नियम, दशम भाव में सूर्य मंगल युति बनाकर एक साथ बैठे हो, यदि आपका कुंभ लग्न में जन्म हुआ है और आपके दसवें घर में सूर्य मंगल एक साथ होकर के बैठे हैं तो ये प्रबल विदेश योग बनता है। दशम भाव किसे कहते हैं, ये दशम भाव है, इसे कर्म भाव भी कहते हैं, पिता का स्थान भी कहते हैं। अब देखना यह है, यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इधर दशम भाव, दशम भाव है, आप देखिए आपकी कुंडली में सूर्य यहाँ बैठा हो या मंगल यहाँ बैठा हो, सूर्य मंगल युति करके एक साथ दशम भाव में बैठे होंगे, जब सूर्य मंगल की महादशा आएगी अंतरदशा आएगी व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है, काफी उच्च पद में व्यवसाय बिजनेस अपना कार्य क्षेत्र को बढ़ाता है। प्रेम तो चौथा नियम, 1, 9, 12 यानी लग्नेश भाग्येश और द्वादेश का स्वामी आपस में परिवर्तन योग करते हो या युति बना के बैठे हो तो 101% व्यक्ति विदेश यात्रा करता है, कई बार यात्रा करता है, कुछ पद पे नाम रोशन करता है। लग्नेश ये हो गया, भाग्येश हो गया, द्वादेश ये हो गया, मान लीजिए परिवर्तन किसे कहते हैं सरलता समझ लीजिए, मान लीजिए लग्नेश यहाँ जाके बैठा हो, यहाँ का स्वामी जाकर यहाँ बैठा हो या भाग्येश जाकर के यहाँ बैठा हो, यहाँ का स्वामी आके यहाँ बैठा हो, इसे परिवर्तन जैसे शनि जो है आकर यहाँ बैठा हो या शुक्र आकर के यहाँ बैठा हो या शुक्र आकर के यहाँ बैठा हो, शनि आकर के यहाँ बैठा हो या शनि और शुक्र, क्योंकि प्रश्न यही है कि लग्नेश और भाग्येश
और व्ययस्त, व्ययस्त भी शनि है, लग्नेश भी शनि है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि शनि शुक्र एक साथ युति बना करके या आपस में परिवर्तन करता हो। मान लीजिए शुक्र शनि के साथ यहाँ बैठा हो, या शुक्र शनि के साथ यहाँ बैठा हो, या शुक्र शनि के साथ यहाँ बैठा हो, या आपस में परिवर्तन करता हो। ये प्रबल जो है विदेश योग बनता है, जब शुक्र शनि की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतरदशा आएगी, व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है और उच्च पद पर अपना नाम रोशन करके काफी ग्रोथ करता है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा नियम, तृतीयेश, भाग्येश और द्वादशेश, यानी 3, 9, 12 भाव के स्वामी आपस में परिवर्तन करते या युति करते हो तो ये भी प्रबल विदेश योग बनता है। तृतीयेश इसे कहते हैं, इसे पराक्रम स्थान कहते हैं, सफल यात्रा बताया गया है। ये यहाँ एक अंग इसके स्वामी हो गए मंगल। अब सूत्र ये कहता है कि आपका तृतीयेश और भाग्येश और द्वादशेश, यानी देखिए तृतीयेश हो गया, भाग्येश हो गया और व्ययेश हो गया, यानी मंगल तृतीयेश मंगल हो गया और भाग्येश शुक्र हो गया और व्ययेश शनि हो गया। सरलता से समझ लीजिए, अब सरलता समझा रहा हूँ आपको। जैसे परिवर्तन योग हो या युति बना के हो तो भी ये विदेश योग बनता है। जैसे मान लीजिए मंगल आकर के आपकी कुंडली में यहाँ बैठा हो, शुक्र आकर के यहाँ बैठा हो, या शनि आकर के यहाँ बैठा हो, मंगल जाकर के यहाँ बैठा हो, या तीनों की युति हो, मंगल शनि एक साथ यहाँ बैठा हो, मंगल शनि और शुक्र, क्योंकि तीनों का परिवर्तन सूत्र है तृतीयेश भाग्येश और व्ययेश। तो तृतीयेश क्या है, मंगल है, भाग्येश क्या है, शुक्र है, व्ययेश क्या है, शनि है। तो शनि मंगल शुक्र युति बना करके या यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, या मंगल शनि का परिवर्तन हो, या मंगल शुक्र का परिवर्तन हो, या शुक्र मंगल का परिवर्तन हो, या शुक्र शनि का परिवर्तन हो। सरलता समझ लीजिए कि मंगल आकर के यहाँ बैठा हो, शुक्र आकर के यहाँ बैठा हो, या मंगल जाकर के यहाँ बैठा हो, शनि आकर के यहाँ बैठा हो, या शनि आकर के यहाँ बैठा हो, शुक्र जाकर के यहाँ बैठा हो, या शुक्र आकर के यहाँ बैठा हो, मंगल आकर के यहाँ बैठा हो, या युति बना के बैठा हो। तो जब शुक्र मंगल और शनि की जब महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है, उच्च पद पर अपना नाम रोशन करता है। छठवां नियम, लग्नेश बारह भाव में हो और बारह भाव का स्वामी लग्न भाव में बैठा हो तो ये प्रबल विदेश योग बनता है। लग्नेश शनि जाकर के यहाँ बैठा हो और यहाँ का स्वामी शनि यहाँ ही है, यानी तात्पर्य ये कि सूत्र लागू ये होता है कि लग्नेश भी शनि है और व्ययेश भी शनि है। तो सरलता समझ लीजिए, शनि यदि यहाँ बैठा हो तो भी चलेगा, या शनि यहाँ बैठा हो तो भी चलेगा। ये सब में नियम लगता है सूत्र में कि लग्नेश व्ययेश का संबंध दोनों एक ही ग्रह है, लग्नेश कुंभ है, व्ययेश मकर शनि। तो सूत्र ये कहता है शनि यदि यहाँ भी बैठा हो या शनि यहाँ बैठा हो, तो जब शनि की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य, क्योंकि शनि एक ग्रह ऐसा है जो विदेश के कारक बताया गया है। और बारह भाव में शनि बैठा होगा तो ये विदेश योग का ही स्थान है और शनि विदेश योग का कारक है, स्वराशी होकर बैठेगा। अगर शनि यहाँ स्वयं लग्न बैठा है तो सबसे राज्य योग बनाएगा। तो जब शनि की महादशा आएगी, अंतर से व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करेगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां नियम, बारह भाव का स्वामी बारह भाव में हो तो भी ये विदेश योग बनता है। तो बारह भाव का स्वामी शनि है, दूसरा नियम, तो शनि यदि यहाँ स्वयं बैठा हो तो भी ये विदेश योग बनेगा। जब शनि की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करेगा। आठवां नियम, चतुर्थेश बारह भाव में बैठा हो, बारह भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हो तो भी विदेश योग बनता है। चतुर्थेश क्या है, 1, 2, 3, 4 यहाँ दो अंक लिखा गया है, इसके स्वामी हो गए शुक्र। यदि शुक्र आपकी कुंडली में देखिए यहाँ जाके बैठे हो, शनि आकर के यहाँ बैठे हो, या शुक्र शनि एक साथ यहाँ बैठे हो, एक साथ यहाँ बैठे हो, ये प्रबल जो है विदेश योग बनेगा। व्यक्ति विदेश में सबसे बड़ा नियम है, चतुर्थेश जाकर के यहाँ बैठा हो या आके यहाँ बैठा हो, परिवर्तन योग बन गया, या शुक्र शनि एक साथ यहाँ बैठा हो, या शुक्र शनि एक साथ यहाँ बैठा हो, तो व्यक्ति वहाँ नौकरी करेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है शुक्र स्थान है, भाव स्थान है, ये भून भवन भान का स्थान है, और बारह में वहाँ व्यक्ति जाकर नौकरी या विदेश में जाकर के बहुत बड़ा बिजनेस करेगा, व्यवसाय करेगा, और भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करेगा। जब शुक्र शनि की दशा महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, नौवां नियम, राहु शुक्र आपकी कुंडली में सप्तम अष्टम या द्वादश भाव में बैठा हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करे, क्योंकि राहु शुक्र जो है ये विदेश के कारक ग्रह बताए गए हैं। यदि राहु शुक्र सप्तम में बैठी हूँ, या राहु शुक्र अष्टम में बैठी हूँ, या राहु शुक्र यहाँ बारहवें भाव में बैठे, जब राहु शुक्र की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है, उच्च पद पर अपना रोशन करता है। दसवां नियम, 1, 5, 9 ये त्रिकोण भाव कहते हैं, यानी लग्नेश पंचमेश और नवमेश भाव का स्वामी बारह भाव में बैठा हो तो व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है। तो लग्नेश हो गया ये, पंचमेश हो गया है और भाग्येश हो गया, माने शनि
और बुध, क्योंकि पंचमी से मिथुन है तो बुध हो गया, और शुक्र यानी शनि बुध और शुक्र तीनों ग्रह जाकर के बारहवें भाव में बैठे हो, तो जब शनि का और बुध का और शुक्र की महादशा आएगी, अंतरदशा की व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करती, क्योंकि पंचम क्या है अभ्यास स्थान, व्यक्ति जाकर के वहाँ पढ़ाई करेगा तो उसके बाद नौकरी प्राप्त करेगा, और ये क्या है नौ क्या है भाग्य स्थान है, व्यक्ति का वहाँ भाग्य चमकेगा, और ये जो व्यक्ति का बराबर विदेश यात्रा बताए व्यक्ति वहाँ व्यवसाय बिजनेस भी कर सकता है, ये अद्भुत नियम है। तो आगे बढ़ते ग्रहण नियम, लग्नेश 6-8-12 भाव में बैठा हो तो व्यक्ति अवश्य विदेश यात्रा करता है, अगर विदेश यात्रा नहीं कर पाए तो अपने देश में ही अपने दूर जाकर के स्थान होता है, क्योंकि वहाँ स्थापित होता है, वहाँ उच्च पद के नाम रोशन करता है, क्योंकि जब भी लग्नेश 6वें घर में बैठा हो 8वें घर में बैठेगा, और बारह ग्रह जो है त्रिक भाव भी कहते हैं, थोड़ा जीवन संघर्ष जरूर आता है लेकिन व्यक्ति विदेश यात्रा अवश्य करता है, अगर विदेश यात्रा नहीं कर पाया तो अपने देश में ही जाएगा, दूर जाएगा, क्योंकि जन्म स्थान जब व्यक्ति दूर जाता है तभी ऐसे व्यक्ति का भाग्य होता है, ग्रोथ होता है। तो यदि आपका कुंभ लग्न है, कुंभ राशि है, और ये जो नियम बता आपके कुंडली में लागू हो रहा है पर विदेश योग नहीं बन पा रहा है आपके, तो समझ लीजिए करना क्या चाहिए। सबसे पहले आप भाग्य को मजबूत करिए, क्योंकि भाग्येश को मजबूत आपको करना है तो विदेश योग अवश्य बनेगा। तो भाग्येश क्या है, 7 तुला राशि है, इसके स्वामी हो गए शुक्र, आपको क्या करना है, शुक्र का मंत्र का आपको जाप करना है, और शुक्रवार के दिन सफेद चीज शक्कर चावल दूध इत्यादि कपड़ा आपको दान करना है, और ओपल या तो डायमंड रत्न आपको मिडल उंगली में धारण करना है, ओपल या तो डायमंड रत्न आप जरूर धारण करें, शुक्र को मजबूत करें। लग्नेश क्या है, शनि है, तो शनिवार के दिन आप जो है नियम बना ले, शनि का मंत्र ओम शनिश्वर मंत्र का जाप करें, या मंदिर में जाकर के हनुमान जी को मदार का पत्ता तेल अर्पण करें, शनि को अर्पण करें और हनुमान जी दिशा का पाठ करें। पंचमेश क्या है, ये बुध है, बुध के स्वामी हो गए आपका जो है मिथुन राशि, इसके स्वामी हो गए बुध, और बुध का जो रत्न बताया गया पन्ना रत्न, आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं लास्ट की उंगली में, और आप बुधवार के दिन गणपति को मंत्र बोल करके वहाँ गंग गणपति मंत्र का जाप करें, और 108 दुर्वा आप गणेश जी को अर्पण कराएं। बुधवार के दिन हरा चीज आप दान, जैसे हरा घास हो गया, गौ माता को खिलाए, हरा चीज दान करिए, इससे भी आपका प्रबल होगा। लेकिन बुध का जो बुध का बताया गया पन्ना और इसका शुक्र का ओपल या तो डायमंड, ये रत्न आप कब धारण करेंगे, किसी इसको कुंडली दिखा करके तो ही रत्न धारण करें, क्योंकि मान लीजिए शुक्र और बुध आपका 6-8-12 भाव में बैठा हो तो नहीं पहनना है, या नीच कौ के बैठा है तो नहीं पहनना है, रत्न कभी धारण करना है अपनी कुंडली परामर्श लेकर के दिखा करके तो ही धारण करें। इनका मंत्र जब जरूर करें, बुध का मंत्र ओम गुम बुधाय नमः, शुक्र का ओम शुक्राय नमः, शनि का ओम शनिश्चराय नमः, इन तीनों मंत्रों का आप जाप करें तो इससे भी प्रबल योग बनेगा। जो मैं नियम बताऊँ वो दान करें, क्योंकि भाग्येश लग्नेश और पंचमेश ये तीनों को आप मजबूत करेंगे तो विदेश योग आपका जरूर बनेगा। वीडियो आपका चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगले सूत्र में मिलते हैं, नमस्कार।